विशेषकर मध्य प्रदेश में भी जो हमारी उम्मीद थी उससे भी कम हमें सीटें मिली। उसका विश्लेषण किया गया है, कई उसके कारण सामने आए हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। आज जो देश के हालात थे उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, उचित होगा आप भी उसके बारे में जानना चाहें। देश में पूरे तरीके से धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम उपयोग किया जा रहा है। यह देश मूल रूप से धार्मिक है और हर धर्म को सम्मान करना हमारे सनातन धर्म का एक विशेष अंग है, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे ढंग से सर्वधर्म संभाव का एक जो हमारा चरित्र है वो शिकागो के उनके भाषण में उसका उल्लेख किया था। सनातन धर्म वो धर्म है जो सबका सम्मान करता है, प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, ये सनातन धर्म। वैमनस्यता की बात सनातन धर्म कभी नहीं करता, किसी भी अन्य नहीं करता, और यही सबसे बड़ी शक्ति हमारी है, जिसकी वजह से 1000 साल देश में गैर हिंदुओं का राज होने के बावजूद भी हमारा सनातन धर्म आज भी कायम है, कायम था और कायम रहेगा, क्योंकि ये सबका सम्मान करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इसलिए साथियों, आज भारतीय संविधान भी खतरे में है। भारतीय संविधान जो आजादी की लड़ाई के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने त्याग तपस्या और बलिदान से इस देश को आजाद दिलवाई, और महात्मा गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर को ये जिम्मा सौंपा, क्योंकि इस देश की गरीबी और जिस प्रकार का यहाँ पर भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव, उसको मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि ऐसे व्यक्ति को संविधान रचने की जवाबदारी देनी चाहिए जिसने कि ये सब सामाजिक उत्पीड़न को सहा है, गरीबी को सहा है, और उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर जो कि सुशिक्षित भारत लॉ और सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अंग है कि किसी तरह से अमीर और गरीब की खाई पाटने की आवश्यकता है, ये हमारे संविधान का। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति का विशेष तौर पे दर्जा इसलिए दिया गया है कि हजारों वर्षों से इनके साथ समाज ने अन्याय और अत्याचार किया, जबकि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था कोई जन्म से नहीं है, ये कर्म से है, उसके और उसके गुण से। लेकिन छुआछूत ने पूरे देश में सनातन धर्म को एक दूसरा रूप दे दिया, उसको मिटाने का उसमें विशेष तौर पर उल्लेख किया गया, और उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए स्पेशल प्रावधान किया। आज वो सारे जो अधिकार हैं उसको समाप्त करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख कुछ हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, इन सबके जो प्रावधान और उनके लिए सुरक्षा के लिए जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उनको भी समाप्त करने का कुशल प्रयास किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज जहां लोकतंत्र खतरे में है वहीं संविधान खतरे में है, क्योंकि जो हमारे न्यायपालिका और
लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, इसके अंदर भी जिस प्रकार से बिना चर्चा के बिल पास किए जा रहे हैं, अब उदाहरण के लिए लोकसभा में जो नई लोकसभा है उसे कहा गया था साहब इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां दो नौजवान घुसते हैं कहते हम बेरोजगार लोग हैं कोई बाहर सुन नहीं रहा है, सदन में कूदते हैं और गैस छोड़ते हैं। ये तो गनीमत समझिए कि गैस जो था वो नॉन पॉइजनस था, सारिन SARIN का नाम का एक गैस होता है पॉइजनस, अगर वो छोड़ दिया होता उस समय सदन में जितने सदस्य थे वे सब 5 मिनट में बचते भी। आखिर इतनी बड़ी घटना जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद भी बड़ी घटना हुई थी, उस पर विपक्ष ने यह मांग की कि ऐसी घटना के बारे में गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को आके बयान देना चाहिए कि इस तरह से ये सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई, क्या ये अनुचित मांग थी। जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में तब अटल जी की सरकार थी, अडवाणी जी गृह मंत्री, उन्होंने स्वयं ने बयान दिया था सुने और सारे सदन ने सारे विपक्षियों ने एकजुट होकर हम कांग्रेस पार्टी से विपक्ष में हमने उनका समर्थन किया कि हम आपके इस मामले में साथ। लेकिन उसी प्रकार की एक गंभीर घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी ने बयान देने से मना कर दिया सदन में जबकि सदन चल रहा था, क्या ये लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप था, क्या न्याय क्यों नहीं किया कि सदस्यों ने जब मांग की तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया और उस समय 3 महत्वपूर्ण बिल और एक टेलीग्राफ बिल जो कि पुलिस बिल जिसे कहा जाता है जिसकी वजह से ड्राइवरों ने हड़ताल की, हिट एंड रन अगर होगा तो ड्राइवर को 10 साल की सजा, क्या ये न्याय बिना चर्चा के उसको पास कर दिया गया। इसलिए आज इस पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो प्रजा लोकतंत्री व्यवस्था में आज उत्पीड़न किया जा रहा है, इन सब बातों को देखकर हम लोग ने चुनाव लड़ा था। अब भाजपा विकसित भारत यात्रा चला रही है, वो तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि देश आजाद 2014 के बाद ही हुआ हो, ऐसी योजना बता रहे हैं जो कि पहले कभी चली ना हो। और जितनी भी योजनाओं को वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी योजना सब कांग्रेस के समय चली हुई, फ्री राशन देने का और सस्ता राशन देने का कि किसकी योजना थी, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई। इंदिरा जी के समय से लोगों को आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, उसका ये लोग कहते हैं हमने हम लाए। इसके बाद जितने भी बांध, पावर स्टेशन, शिक्षण संस्थाएं जो बनी सब कांग्रेस ने बनाई, कौन सा एक ऐसी संस्थान उन्होंने खड़ी की हो जिसके बारे में हम मोदी जी की तारीफ करें, केवल भाषण, जुमला और कहते मोदी गारंटी। मोदी गारंटी वो है, कौन सी गारंटी उन्होंने आज तक पूरी की, क्या काला धन वापस आ गया, क्या विदेशों से काला धन वापस ले आए, उल्टा काला धन विदेशों में चला गया और बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से कर्जा लेकर बाहर चले गए। बारह लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बैंक से कर्जा लिया वो माफ कर दिया गया। आज तक जो विदेश में भागे हुए जिनके ऊपर मुकदमा कायम है
उनको लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब ऐसा हम लोग समझते हैं कि उनको संरक्षण मौजूदा भाजपा सरकार की।